बीमार हुए थे, सारे लोगों को बरही अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, तो सारे सुरक्षित हैं, सभी को ट्रीटमेंट करके ला दिया गया, सबको अपने अपने घर में है, सबको बतला दिया गया कि बढ़िया दवा खाइए, घर में रहिए और ठीक से रहिए। शुरू में लगा हम लोगों को कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा तो था लेकिन सारे लोगों को ज़्यादा नहीं था, किसी हॉस्पिटल से इलाज में कुछ लोगों का पानी चला, कुछ दवा पर ही, कुछ स्वीपर भी, सबको रिलीज कर दिया गया, सारे लोग आ गए, कोई दिक्कत की बात अभी नहीं है, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा है कि सूजी एक्सपायरी डेट का था, घी का भी जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया नहीं था, उसको तो खाना में यूज ही नहीं, खाना में यूज नहीं किया, मिस्टेक किया गया है। हाँ, बिल्कुल। तो हम भी सभी से अपील करेंगे कि नेक्स्ट बार जब भी कहीं हो, कोई भी तरह का अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है या किसी तरह का कार्य हो, और कोई भी पैकेट बंद चीज़ अगर खरीदते हैं, किसी भी, चाहे घर में हो या कोई फंक्शन का हो, तो एक्सपायरी डेट जरूर देख लें उसका कि एक्सपायरी तो नहीं, अगर एक्सपायरी हो तो दुकान से सवाल का जवाब करें कि एक्सपायरी क्यों बेच रहे हैं, आगे हम लोग को सूचना करें, हम लोग उस पर भी देखेंगे और कि एक्सपायरी क्यों बेच रहा हो, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद में फूड पॉइजनिंग होता है तो परेशानी हम लोग को होता है। एहतियातन जब हम लोग यहाँ आए हैं मंदिर में तो देख रहे हैं उनके द्वारा सूजी भी एक्सपायर यूज़ किया गया है, हम लोग पानी का सैंपल लिए हैं, पानी का भी जांच कराए हैं, और हम लोग अभी दुकान में भी जाके जहाँ से ये लोग सामान खरीदे हैं घी वगैरह उसका भी जांच करके वहाँ से हम लोग सैंपल संग्रह करके लैब भेजेंगे, लैब रिपोर्ट के अनुसार इन लोग पे जो भी नियम संगत है इन पर कार्रवाई कर दी जाए। हम पूरे हजारीबाग वासियों को ये अपील करेंगे और अनुरोध भी करेंगे, वो कम सिर्फ यज्ञ और मंदिर की बात नहीं करते, हम लोग जब भी वो अपने घर के लिए भी सामान खरीदें तो उसमें बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरर का सारा डिटेल रख के ही वो सामान कहीं से भी खरीदे, नहीं तो अनहोनी की प्रबल संभावना है, मिलावट की संभावना है, उसको हम लोग इसी तरह रोक पाएंगे कि जब लोग अवेयर हो जाएंगे कि हमको क्या सामान खरीदना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और वो एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट, आज जो इंसिडेंट्स हुआ है मुझे जहाँ तक अभी तक के जांच से पता लगता है कि वो एक्सपायरी से ही हुआ होगा, क्योंकि उनके द्वारा घी भी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया गया है, एहतियातन हम लोग पानी का भी सैंपल लिए हुए हैं और सूजी में भी हम लोग देख रहे हैं एक्सपायरी सूजी इन्होंने यूज़ किया है, तो हम लोग सारे सैंपल को लैब के लिए भेज रहे हैं, वो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करके अनुशंसा करेंगे। जी धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर ये इंसिडेंस हुआ है बेंदगी में, तो ये सारे लोग हैं अपना जो भी, अभी आप पता ही चला कि कुछ जी खाने से एक्सपायरी था, कुछ मौसम का भी असर है, लेकिन सारे लोग जो है कंट्रोल के अंदर हैं और हम लोग पर हैं, हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रीटमेंट आज हो रहा है, मेरी डॉक्टर डेली यहाँ पर टीम रहेगी जो आके लोग को देखेगी, और जो भी जरूरत होगा जिसको यहाँ पर होना हो यहाँ होगा, जिसको वहाँ हॉस्पिटल में जाएगा वहाँ, हम लोग सारे जगह लगे हुए हैं, स्थिति एकदम कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोग हम लोग समझाते हैं, घबराना नहीं है, हम लोग आके लोग को अभी दवा हुआ जितने चीज हम लोग यहाँ भी दे दी, अभी कल भी डॉक्टर साहब डेली मेरी आएगी डॉक्टर साहब यहाँ पर डेली। देखिए, हजारीबाग के बरही में फूड प्वाइजनिंग का बड़ा मामला प्रकाश में आया है, जिसमें लगभग 200 से 250 लोग बीमार हो गए हैं। आपको बता दूं, बरही के बेंदगी गांव में पूजा पाठ के दौरान बनाए गए सूजी के हलवे के प्रसाद को खाकर ये लोग बीमार हुए हैं, जिनका इलाज वहीं के अनुमंडल अस्पताल में, यानी बरही अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। फूड प्वाइजनिंग का यह बड़ा मामला सामने आया है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी चिंतित है और गांव में भी कैंप कर लोगों का जांच कर रहा है। तो वहीं फूड सेफ्टी ऑफिसर ने भी वहां पे कैंप किया है और जितने भी सामान इस प्रसाद बनाने के लिए उपयोग किए गए थे उनकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि जो सूजी का हलवा बना था और जो सूजी का इस्तेमाल किया गया था वह सूजी एक्सपायरी था। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और जितने भी लोग बरही अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग।